इरेक्टाइल डिसफंक्शन समस्या तो आदमी की होती है, मगर इससे प्रभावित दोनों लोग होते हैं। आज हम इसी बात को डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली, चंडीगढ़ और मोहाली तीनों जगह पे, उसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से कम 1.5 लाख लोगों की मदद की है पिछले 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के दौरान में। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक को लेके। ये जो सेक्स समस्याएं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको आम भाषा में लोग नामर्दी कह देते हैं या स्तंभन दोष कह देते हैं, कि जो इरेक्शन का प्रॉपर पूरे तरीके हार्ड ना होना, उसका क्या रिलेशनशिप पे क्या असर होता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, एक आदमी को तो पता लग ही जाता होता है ना कि भाई मैं अब वो पहले जैसा अपने आप में मर्द महसूस नहीं करता, मगर ये समस्याएं उसको इतनी मुश्किल सी सिचुएशन में ले आती हैं, जिसको उसे ये कहना भी बहुत मुश्किल लगता है कि मैं नामर्द हो गया हूं, या मैं अब मर्द नहीं रहा, या मैं सेक्स कर नहीं सकता। तो अक्सर वो छुपा रहे होते हैं और अपने साथी से दूर दूर रहने की कोशिश करने लगते हैं। और जब ऐसा हालात होता है ना, तो उनकी फीमेल पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद ही मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, या शायद मैं ना सुंदर नहीं दिखती हूँ। वो कई बार अपने आसपास में अपनी भाभी से, बड़ी बहन से, माँ से, पड़ोसन से, किसी भी फीमेल से, मैरिड फीमेल से ऐसी बात करने की अगर कोशिश करती हैं, तो बाकी की फीमेल्स भी सलाहें देने लगती हैं कि तू थोड़ा सा ना अपने आप को अच्छा बना के रखा कर, थोड़ी सुंदर बन के रहा कर ना, वो जब शाम को घर पे आता है थोड़ी सुंदर सी बन के रहा कर, जब शाम को कमरे में जाए तो नहा धो के जाया कर, थोड़े बाल गीले रखना, बाल इस बार जाएगी ना बाल खुले भी रखना, और कपड़ा ऐसा कुछ पहनना कि तेरा थोड़ा बॉडी दिख भी रहा है, नहीं भी दिख रहा, ऐसी बड़ी सारी सलाहें आ रही होती हैं। और फीमेल ऐसी कोशिश भी करती हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये हकीकत में समस्या हो क्यों रही है। और जब वो बेचारी इस तरीके की पूरी कोशिशें करती हैं कि मेरा साथी मेरे साथ वो प्यार मोहब्बत के लम्हे बिताए, हम भी अच्छे से सेक्स करें, मगर आदमी को तो प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली जो भी रीज़न से हो रही है, उसको पता होता है कि ये हो नहीं रहा है यार। जब आप एक महिला हो के इस तरीके का सब कुछ करती हैं, तो अनइंटेंशनली आप पुरुष के ऊपर कुछ ज़्यादा दबाव डाल जाती हैं। आप इंटेंशनली नहीं कर रही हैं, वो पुरुष के लिए एक दबाव हो जाता है कि यार वो तो एक्सपेक्ट कर रही है यार, वो मुझसे चाहती है कि मैं कुछ करूं और मैं कर नहीं पा रहा हूं। इस वजह से पुरुष और डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं, और जब वो नहीं कर पाते तो आप एक फीमेल हो के भी बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि आपको फिर अपने आप में और बहुत कुछ सोचने को हो जाता है कि मैंने ये भी ट्राई कर लिया, दिस इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग। सो एंड रिजल्ट ये होता है कि दोनों के दोनों लोग बहुत अजीब से डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, घर का माहौल बड़ा लो सा हो जाता है, चुप्पी सी छाने लग जाती है आपसी रिश्ते में। जैसे हम कहते हैं ना कि खाना जो होता है, भूख लगती है तो ना इस पेट को रोटी चाहिए होती है, ये कुदरत की दी हुई भूख होती है। उसी तरीके कुदरत ने ना इस जिस्म को, दिमाग को, शरीर को, मन को, तन को, ये सारी चीज़ों को सेक्स की भी एक ज़रूरत कह लो या भूख कह लो, वो भी बहुत ज़रूरी दी है। और जब वो भूख पूरी नहीं होती है ना, तो अल्टीमेटली पहले डिप्रेस्ड होते हैं, फिर हम झल्लाने लगते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को कसूरवार ठहराने लग जाते हैं, और फाइनली वो लेवल पे पहुंच जाते हैं कि रिश्ते बिखरने का वक्त आ जाता है। अगर आपको किसी को भी सेक्स समस्याएं रहती हैं, आपको इजैकुलेट जल्दी हो जाता है कि सेक्स करने लगे, शुरू करने से पहले बाहर ही छूट गया, या ये पूरा डंडे की तरह टाइट नहीं हो पाता, चाहे कुछ भी समस्या रहती है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले उसका इलाज करवाइए। और यदि आपको हमारे डॉक्टर से किसी भी तरीके की मदद चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अभी के अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और उस कुदरत की, ईश्वर रब परमात्मा की रहमत से जब हमारे डॉक्टर आपके साथ डिटेल में बात करेंगे, तो हम पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम कर सकते हैं, और आप समझेंगे कि कितनी शिद्दत से हमारे डॉक्टर आपकी मदद करते हैं, और आपको वो ऊपर वाले के जादू एक हफ्ते में नजर आने लग सकते हैं, और आप भी एक बेहतरीन सेक्स लाइफ जी सकते हैं, और अपने रिश्तों को आप भी बचा सकते हैं। कीप एंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ विद ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर।